श्रावस्ती में बीती रात से हो रही बारिश बनी आफत। लगातार हो रही बारिश से राप्ती नदी उफान पर। रामनगर बिष्णुपुरा गांव में घुसा बाढ़ का पानी। घरों में बाढ़ का पानी भरने से मुसीबत में ग्रामीण। तेज जल प्रभाव के चलते कई जगहों पर राप्ती नदी कर रही कटान। डीएम श्रावस्ती लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का कर रहे पेट्रोलिंग। प्रयागराज चकघन श्याम दास नई बाजार में दूध का टैंकर पलटा तो लोग हुए खुश। वीडियो में आप देख सकते हैं, लोगों का कहना है कि 3 साल से नहीं मिल रहा था जल, फिर वहां के लोगों की किस्मत पलटी तो पानी की जगह दूध भर भर के मिलने जाने लगा। दूध भरने के बाद लोगों ने पानी से नहीं बल्कि दूध से अपनी प्यास बुझाई। नई बाजार में दूध की खीर बनाकर ईद जैसी खुशी मनाई गई। पानी तेजी से बरस रहा था तभी टैंकर पलटी। ड्राइवर ने अपनी जान बचाकर भगवान का शुक्रिया अदा किया। सुनार गांव के पास बने पुल में बड़े गड्ढे को लेकर आवागमन हुआ बाधित। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे ही खराब मटेरियल से बना रोड छोड़ दिया गया। पुल निर्माण ग्रामीण देर रात से मजबूरी मेहनत करके इसी रास्ते जाते हैं। घर पुल के अगल बगल है तालाब। बरसात के मौसम भर जाता है तालाब, पहाड़ी नालों पर पानी आकर भर जाते हैं, इससे नाव लग जाती है। गांव में 4 दिन की बारिश में चारों तरफ बारिश का पानी भरा हुआ है। बिजनौर के नेट और पुलिस ने इंस्टाग्राम पर रील डालने वाले को किया गिरफ्तार। मुंह पर खून जैसे रंग से सनी लाल पट्टी बांधकर टॉयगन लेकर इंस्टाग्राम पर डाली थी वीडियो। लोगों को परेशान कर वीडियो डालने वाले 2 युवक जुबैर अफ्ताब को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिजनौर के नेटौर थाने का ही पूरा मामला है। हरदोई के संडीला कोतवाली इलाके के सनाई में 2 जुलाई को प्रशांत नामक व्यक्ति से दूध से भरा पिकअप डाला। लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया और दोनों लुटेरे समेत दूध खरीदार को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से लूटा हुआ डाला दूध के बिक्री के 66,000 रुपए, 2 बाइक, तमंचा, कारतूस भी बरामद कर लिया गया है। एसपी ने बताया कि लुटेरों ने एक पिकअप डाला लोन पर लिया था और उसकी EMI भरने के लिए लूट की घटना को अंजाम दिया। बच्चों को कराटे का प्रशिक्षण देने वाले अंतर्राष्ट्रीय कराटे कोच बसंत उपाध्याय ने देवबंद के जिलाधिकारी को पत्र देकर विपक्ष पर गली की नाली को बंद करार देने का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की है। अमेठी में डाले 112 की सिपाही ने मजदूर को जड़ा थप्पड़। मजदूर को सिपाही द्वारा थप्पड़ जड़ने का वीडियो वायरल। गौलीगंज क्षेत्र के लहटापुर गांव का ही पूरा वीडियो बताया जा रहा है। मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर मंगलौर के लिबरहेड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों के नेता, मंत्री, विधायक मौजूद रहे। हरिद्वार सांसद त्रिवंत सिंह रावत, राष्ट्रीय लोकदल के नेता और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। लोकदल के नेता और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि देश की खुशहाली का रास्ता किसानों के खेतों से होकर गुजरता है और आज वो अपनों के बीच आए हैं। भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह मिठाना के लिए वोट का समर्थन करते हैं।